तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक डैशबोर्ड और डैशबोर्ड विद स्लाइसर। तो स्लाइसर वाली डैशबोर्ड हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको एक डैशबोर्ड दिखाया था जो स्लाइसर से था, उसी तरह की एक डैशबोर्ड हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ स्लाइसर यूज करके हम एक डैशबोर्ड का इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। राइट सर, फाइल को मेरे पास डेटा है जिस डेटा में काफी टाइम से बात कर रहे हैं। अब इसमें अब देखिए बात करते हैं कि हमारे पास पहले डेटा समझ लीजिए कि सेल्स डेटा है और हम इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करना चाहते हैं बिटवीन वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, बिटवीन वन सेल्स मोड टू अनदर सेल्स मोड, बिटवीन वन नेम टू अनदर नेम एंड बिटवीन वन से वन साइड टू अनदर साइड एंड ऑल्सो वन कॉल टू अनदर कॉल। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे एक डैशबोर्ड का शीट तैयार करते हैं। सबसे पहली जरूरत होती है फॉर्मेटिंग। जी हाँ, फॉर्मेटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो और फॉर्मेटिंग जब तैयार करें तो आप ये देखिए कि वो एक ही स्क्रीन पे विजुअल हो। राइट सर, इसका ध्यान रखिएगा, स्क्रॉल कम करना पड़े ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आपके डेटा में हो। तो यहां हम करते हैं, यहां पे देते हैं हेडिंग सेल्स कंपेयर रिपोर्ट। प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए विवेक जी, म्यूट कर लीजिए। ये हमारा और यहाँ पे हम एक बार और यहाँ पे हैश सेक्शन टू। सेक्शन टू और इसको मैं कुछ और कलर देता हूँ, जैसे मैंने इसको दे दिया ग्रीन कलर और इसको दे देता हूँ ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, और यहाँ पे हम अपने सेल्स लेते हैं। फॉर्मेटिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है।
सिंपल सा मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम ब्लू कलर देते हैं और हेडिंग को भी हम ग्रे कलर देते हैं। कलर अलग अलग करेंगे तो सही रहेगा। एवरेज के लिए हम देते हैं पिंक एक कलर, मैक्सिमम के लिए हम देते हैं और मिनिमम के लिए हम देते हैं चार डिफरेंट डिफरेंट कलर ताकि ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। और उसके बाद सुजीत कुमार, ये जो वेबसाइट है उसका हमारा एक ही कलर है वो येलो। ठीक है, और इसको तो हमने कर लिया लेकिन एक दिक्कत और आ गई इसमें। एक और हेडिंग, एक और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। बॉर्डर के लिए इन दोनों के बीच में बॉर्डर हो ब्लैक कलर का कर दिया और इसको उठा के ब्लैक, इसको बैकग्राउंड ब्लैक करना है और फोरग्राउंड व्हाइट करना है। और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना है। हाँ। उसके बाद यहाँ एक लाइन और देना है और इसको छोटा करना है, यहाँ भी इसी तरह से करना है छोटा। पीछे रीजन है कि इसको हमें देना है ब्लैक कलर का बॉर्डर। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे ध्यान दूंगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से और इसको बेटर कर सकते हैं। अब फॉर्मूले की बात आती है। अब यहाँ पे जैसे कि अब डेटा हमारा है, डेटा में हमें IPT इंडिया का टोटल क्वान्टिटी अमाउंट और कमीशन चाहिए, राइट।
और ऐसे ही तो इसके लिए हम सिंपल से फॉर्मूला आता है सम इफ। हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला अप्ला सकते हैं कि सम इफ, और सम इफ में हम डेटा में जाते हैं, डेटा में हमें सम किसका करना है, तो सम करना है हमारा क्वांटिटी का, और क्राइटेरिया ए वन है, और किसके अगेंस्ट मैच करना है, तो वेबसाइट के अगेंस्ट। जीरो आया क्योंकि ए वन नहीं, यहाँ पे क्राइटेरिया होगा आईपीटी इंडिया, ये रहा साइट, हो गया। अब इसको एक बार फ्रीज कर देते हैं, J5, J5, J5। गलत दे दिए, गलत तरीके से कर दिया। हम यहाँ देखेंगे समिफ, समिफ में हम जाएंगे सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज लेंगे, क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ लिया, और इसके बाद इसमें देंगे J5, और फिर सम रेंज हमारा होगा क्वांटिटी। रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे मुझे इसके अमाउंट सम चाहिए, तो अमाउंट का सम यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट कॉल में एन होगा, तो बाकी सब चीज सेम होगा, इसमें बस जहां हमने जे दिया है उसके जगह पे हम एन दे देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सम इफ का फॉर्मूला होता है, राइट। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। समिप का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप सम करना चाहते हैं, राइट, तो सम में अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ओवरऑल सम दिखाएगा ना सर, लेकिन मुझे सम चाहिए सिर्फ एक वेबसाइट का, सिर्फ आईपीटी इंडिया का सम चाहिए, या सुजीत कुमार चाहिए, उसके लिए सम विद कंडीशन, कंडीशन हो गया कि हमें सम तो चाहिए लेकिन सिर्फ आईपीटी इंडिया का चाहिए, सम विद कंडीशन, तो इसके इफ का इस्तेमाल हुआ। तो रेंज मतलब कि आपको सुजीत कुमार किस कॉल में मैच करना है, तो हमने बोला रेंज पी में मैच करना है, और क्या मैच करना है, सुजीत कुमार, ओके मैच हो गया। सम किस कॉलम में करना है, तो हमने बोल दिया मुझे एन कॉलम का करना है। आखिरी कंडीशन किस, क्या मैच मैंने पी कॉलम में मैच क्या करना है, तो सुजीत कुमार मैच करना है। ये क्या करेगा, सॉरी आर थ्री पे जो है ना, यहाँ पे ये जो सुजीत कुमार है ये पी कॉलम में जाएगा और फिल्टर करेगा, ठीक है, पी कॉलम में आएगा और फिल्टर करेगा, और फिल्टर में क्या सिलेक्ट करेगा, जो आर थ्री पे वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेगा, उसके बाद टोटल क्या निकालेगा, फिल्टर डेटा का टोटल निकाल देगा, बस यही काम करता है समीप, समझ गया। ये काम यहाँ की, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अमाउंट, ये जो अमाउंट है काफी बड़ा अमाउंट है, तो समझना मुश्किल है कि 4 करोड़ है 48 करोड़ है, दिक्कत हो जाती है ना सर, तो इसको हम राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में जाते हैं, और याद होगा कि अमाउंट इन थाउजेंड, तो हैश कॉमा, तो 48,438,000, या फिर आप इसको डेसिमल डबल इस तरह से करोड़ में कर दीजिए, मिलियंस में, तो 48.73 बिलियन हो गया ना। समझे सर,
अब इसको कॉपी करके हम नीचे की तरफ पेस्ट कर देते हैं सिंपल सा, अपने आप हर चीज चेंज इसमें एवरेज सम ही निकालना था ना। हाँ सम निकल गया, तो दोनों वेबसाइट का सम आ गया ना। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो जैसे सम इफ लगाया था वैसे हमारा एवरेज इफ होता है, समझ गए? जैसे हमारा सम इफ होता है ऐसे हमारा एवरेज इफ होता है। ओके ये गड़बड़ है क्योंकि हमने डेटा में गड़बड़ है, इंडिया का स्पेलिंग गड़बड़ है। आ गया लेकिन ऊपर 0 हो गया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें सेल्स की जगह पे मुझे क्या करना है, एवरेज कर देना, एवरेज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एवरेज इफ में इसमें 0.2 मतलब मिलियन करने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल फॉर्मेट फॉर्मेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी एवरेज इफ कर देता हूँ तो ये टोटल आ गया। और इसमें भी मुझे फिल्टर जो करना है फॉर्मेटिंग को हटा देना है, ठीक है? अब ये आपका सेम सुजीत कुमार का है, जिसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं तो उसका भी आ गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम, तो जैसे यहाँ पे सम इफ किए हैं ऐसे आपका मैक्स इफ होता है, लेकिन मैक्स इफ आपको जो है इसमें नहीं है 2000 2006 तक नहीं है मैक्स इफ। हाँ मैक्स IFS इफ है ये, आपका मैक्स इफ नहीं मैक्स रेंज। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, मैक्स इफ है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, थोड़ा सा लगाने का तरीका है। लेकिन ये आपको 2016 में से ऊपर मिलेगा, 19 और ऑफिस 365 में मिलेगा, और इसके लिए नॉर्मली हम लगा देते हैं और फॉर्मूला उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है मैक्स रेंज, इसको मैक्सिमम चाहिए तो हमें चाहिए क्वांटिटी का मैक्सिमम। फिर आता है क्राइटेरिया किससे मैच करनी है, तो साइट से मैच करनी है, क्या होना चाहिए साइट, तो J1 कर देता हूँ मैं, बाद में चेंज कर दूंगा। और यहाँ J1 जो है उसको मैं यहाँ से हटा के देता हूँ I, I20 होना चाहिए, सर्कुलर रेफरेंस आ गया। तो इससे आ गया मैक्स। सेम फॉर्मूला यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ करते हैं, और इसमें हम जो है क्या करेंगे, मैक्स इन यहाँ पे आपका जो मैक्स रेंज है वो चेंज हो जाएगा। मुझे इसमें टोटल मैक्सिमम सेल अमाउंट में चाहिए, तो ये आपका आता है एन, एन का टोटल चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे हम एन यहाँ पे एन बाई एन कर देते हैं, जे बाई जे की जगह पे एन बाई एन, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। और कमीशन के लिए कौन सा है, कौन सा कॉलम था कमीशन का, एम। हाँ तो यहाँ पे पी के जगह पे यहाँ पे जे के जगह पे एम कर देते हैं, तो आपका मैक्सिमम आ गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पेस्ट करते हैं, सुजीत कुमार का भी आ गया। अब इसमें मुझे मैक्स की जगह पे मिन करना है,
स्मॉल के लिए। बाकी सब कुछ सेम है और यहां भी सेम मैक्स की जगह पे मिल कर देता हूं। और आपका मिनिमम निकाल देगा। ये हमारा तो टोटल वाले सेक्शन का निकल गया। टोटल वाले सेक्शन का निकल गया। अब मुझे यहां पे निकालना है, तो हमें सबसे पहले इस जो डेटा है, क्योंकि दो सेक्शन है तो डेटा को हम दो जगह पे कॉपी कर देते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला ना लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए और यहां पे देता हूं और इसको कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, टेबल में। ओके, टेबल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें, हमें साइड वाइज चाहिए ना, यहां पे आईपीटी इंडिया और यहां से जीत कुमार कर देता हूं। क्वांटिटी कमेंट डालने से सही रहेगा, क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी में यहां पे एवरेज एवीजी मैक्सिमम मिनिमम भी सेम जैसे लगाते हैं। तो क्वांटिटी का सम चाहिए इक्वल यहां पे छोटी सी गलती कर दी है सर, ये साइड बाय अलग कर दिया है ना, ये साइड बाय अलग नहीं, ऑफिस स्लाइसर वर्क नहीं करेगा, ये साइड तो फिल्टर में होगा ही ना हमारा, क्या तो फिर यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है कि जो हम स्लाइसर में सेलेक्ट करें हमारा टोटल यही पे वही चीज आना चाहिए। ये तो हमने दे दिया हुआ बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि तो मैं फिर यहाँ पे समिफ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर स्लाइसर से हट जाएगा। इसलिए वेबसाइट हटा, ये जो वेबसाइट है साइट को मैं हटा देता हूं, साइट में स्लाइसर में दे दूंगा, स्लाइसर में सिलेक्ट करते आ जाएगा। और कुछ और कर दूंगा मैं, ये हमारा टोटल सेल्स आ जाएगा अमाउंट का, अमाउंट क्वांटिटी और एक इसका आ गया टोटल सेल्स। और यहां पे मैं एक काम करता हूं, एक टोटल लग देता हूं सेल्स पर कॉल, ठीक है, जैसे यहां पे टोटल हो गया ना और यहां पे सेल्स पर कॉल्स हो गया, सेल्स पर कॉल्स।
bills per calls. चलिए डेटा में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट हटा देता हूँ, इसके जगह पे सेल्स पर कॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सम करता हूँ, सम इसके जगह पे मैं एग्रीगेट का फॉर्मूला या सब टोटल का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, सब टोटल का फॉर्मूला ही लगाता हूँ जो कि विजुअल सेल्स को ही सम करता है। इसमें क्या चाहिए मुझे, सम चाहिए, और कॉमा हमने अपना रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी का सम आ गया, अब मुझे यहीं पे सम चाहिए किसका, टोटल का, और कमीशन का भी सम चाहिए। इसमें जो ये है इसको उठा के मैं यहां से उठा सकता हूँ, नहीं उठ रहा है, इसके जगह पे मैं अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लेता, यहाँ पे जो क्वांटिटी है क्वांटिटी के जगह में कमीशन, यार मैनुअली टाइप भी कर सकता हूँ ना, मैं कमीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी के जगह पे कमीशन तो है ही नहीं, इसमें कमीशन के जगह पे मैं क्या कर दिया, मैंने इसमें टैक्स कमीशन नहीं है, टैक्स, और यहाँ भी डैशबोर्ड में भी जहाँ जहाँ कमीशन है कमीशन तारीख के एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने टैक्स कर दिया था। यहाँ पे ऐसे अब यहाँ पे सब टोटल ये जो हमें लगाया हुआ है इसी को मैं कॉपी पेस्ट 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 कर देता हूँ, और यहाँ जहाँ हमने 9 दिया हुआ है, अब 9 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए 1 दे देंगे। तो अब सबको करना है, तो मैं कंट्रोल एच कर, तो यहाँ पे हम 9 को यहाँ फॉर्मूला में 9 को रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, ताकि कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए डिलीट करता हूँ यहाँ से 4। यहाँ पे मैनुअली भी एक एक कर सकता हूँ या रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम के लिए क्या है, मिनिमम के लिए 5 है हमारा, यहाँ पे 5। और सेल्स पर कॉल्स में क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, तो इसमें जो डिवाइड होगा तो यहां पे सब सब टोटल बैकग्राउंड सो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, और यहाँ पे टोटल कॉल्स हो गया। कॉमा 9 कॉमा
और जहां पे ए वन टोटल कॉल्स, और टोटल कॉल्स की जगह ये सही रहेगा, क्वांटिटी के जगह पे हमें देना है जी टोटल। और यहां पे क्वांटिटी के जगह पे देना है टैक्स। और यहां एवरेज में अब इसी को आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ 9 के जगह पे देना है 1, कंट्रोल एच 1 रिप्लेस ऑल की यहाँ सब टोटल भी आ गया, यहाँ पे 9 होगा, इसलिए 1 ही है। और फिर यहाँ पे कंट्रोल एच इसमें क्या देना है मैक्सिमम में 4, के जगह देना है 4। और यहां पे कंट्रोल एच 9 के जगह देना है 5। अब मुझे इसको जो है डैशबोर्ड पे यहां पे लिंक करना है कि क्वांटिटी को क्वांटिटी से। अमाउंट को अमाउंट से, टैक्स को टैक्स से, ऐसे ही सेल्स पर कॉल्स को अमाउंट या अमाउंट को अमाउंट से, नहीं क्वांटिटी को क्वांटिटी से, और बाद एवरेज के लिए डैशबोर्ड पे आते हैं एवरेज। और ये रहा आपका एवरेज अमाउंट, एवरेज मीन सेलेक्ट किया और इसको भी हम इससे करते हैं, ऐसे आपका पर सेल्स है। मैक्सिमम बस इक्वल करके लिंक करना है हमारा। मिनिमम
और एक तो और भी जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह हम लगाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह लगा सकते हैं कि रेड आए तो माइनस आए तो रेड हो जाए वगैरह वगैरह। और यहाँ हमारा ये हमारा एक सेक्शन तैयार हो गया। अब इसको हम स्लाइसर ऐड करते हैं कि स्लाइसर क्या क्या चाहिए हमें। तो हम यहाँ इसमें व्यू टैब जाते हैं डिजाइन में स्लाइसर नेम प्रोडक्ट साइट ओ हमने एक मिनट हमने गलती कर दी है इसको पे कन्वर्ट कीजिए इसमें ये छोटी सी गलती कर दी है कन्वर्ट और फिर वापस से डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको इसको वापस हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसा करने से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है सही है चलिए सब ठीक है। अब हम इस पे स्लाइसर ऐड करते हैं नंबर इंसर्ट स्लाइसर्स इसमें सेल्स मोड नेम प्रोडक्ट साइट टोटल कॉल्स ये चीजें हम यहाँ रखते हैं और इसको कट करके अब इसे फायदा क्या देता है ज्यादा से आपको जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने से आई पी टी इंडिया को सिलेक्ट किया तो पूरा रिकॉर्ड मेरा आई पी टी इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और इसको शिफ्ट के साथ हमने कनेक्ट किया और कट किया और कट करके मैं डैशबोर्ड पे पेस्ट करता हूँ। और भी है यहाँ पे दो छूट गए हैं कट यहाँ पे मैं अपना नेम पहले डालता हूँ और यहाँ स्लाइसर्स में हमें यहाँ कॉलम को बढ़ा देते हैं तीन कर देते हैं और इसको रिसाइज भी अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम लेते हैं प्रोडक्ट को मैं हम यहाँ रखते हैं तो इस तरह से अरेंज आप अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग को रखता हूँ छोटा करके इसको ये सही और जो आई पी टी इंडिया साइट है उसको मैं यहाँ नीचे करता हूँ और थोड़ा छोटा टोटल कॉल्स को यहाँ रखता हूँ और टोटल कॉल्स को मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर में कर देता हूँ
और इसके साथ भी वही करता हूँ, टोटल कॉल दो बार आ गया, एक ही बार होना चाहिए। ठीक है सर, अब इसमें मैं अगर पूजा का सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा सेल्स मेरा पूजा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। कविता सिलेक्ट करता हूँ तो कविता के अकॉर्डिंग, दो सिलेक्ट करता हूँ दो के अकॉर्डिंग। अब इसी सीट को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसमें मैं अलग से ये पे लगाता हूँ स्लाइसर, वापस कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, कन्वर्ट टू रेंज। तो मतलब कि अब इस पे स्लाइसर, अब मान लीजिए कि इस पे स्लाइसर होगा हमारा, तो डेटा टू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया। फिर वापस इसको रेंज में कन्वर्ट कीजिए और फिर इसके ऊपर स्लाइसर्स इस्तेमाल कीजिए, सेल्स मोड, नेम, प्रोडक्ट, साइट एंड टोटल कॉस्ट। और यहां से इसको कट कीजिए डैशबोर्ड में, यहां पेस्ट कीजिए। और फिर ये जो कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशन को यहाँ पे आप लिंक कर दीजिए। तो ये लिंक तो आप कर ही सकते हैं क्या सर, और बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप खुद से कर लीजिएगा। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।